हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्पर टिप्स इन हिंदी में। आज मैं आपको बताऊंगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में। समय समय पर अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लगा है, लेकिन यहां पर सिर्फ मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने प्रेम खांडू थुंगन। इनका कार्यकाल 13 अगस्त 1975 से लेकर 18 सितंबर 1979 तक रहा। अरुणाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने टोमो रिबा। इनका कार्यकाल 18 सितंबर 1979 से लेकर 3 नवंबर 1979 तक रहा। अरुणाचल प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बने गेगोंग अपंग। इनका कार्यकाल 18 जनवरी 1980 से लेकर 19 जनवरी 1999 तक रहा। अरुणाचल प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री बने मुकुट मिथि। उनका कार्यकाल 19 जनवरी 1999 से लेकर 3 अगस्त 2003 तक रहा। गेगोंग अपंग एक बार फिर से अरुणाचल के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हुए। उस वक्त उनका कार्यकाल 3 अगस्त 2003 से लेकर 9 अप्रैल 2007 तक रहा। अरुणाचल प्रदेश के पांचवे मुख्यमंत्री बने डोरजी खांडू। इनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2007 से लेकर 30 अप्रैल 2011 तक रहा। अरुणाचल प्रदेश के छठे मुख्यमंत्री बने जारबोम गैमलिन। इनका कार्यकाल 5 मई 2011 से लेकर 1 नवंबर 2011 तक रहा। अरुणाचल प्रदेश के सातवें मुख्यमंत्री बने नाबम टुकी। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 2011 से लेकर 26 जनवरी 2016 तक रहा। अरुणाचल प्रदेश के आठवें मुख्यमंत्री बने कालीखोप पुल। इनका कार्यकाल 19 फरवरी 2016 से लेकर 13 जुलाई 2016 तक रहा। नाबम टुकी एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस वक्त उनका कार्यकाल 13 जुलाई 2016 से लेकर 17 जुलाई 2016 तक रहा। अरुणाचल प्रदेश के नवे मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, जिनका कार्यकाल 17 जुलाई 2016 से शुरू हुआ और वर्तमान तक ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है। जानकारी अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए।